एक काम करो ना, FSA और इक्विटी अच्छे से रिवाइज कर लो। मेनली जॉब्स में ये दो सब्जेक्ट्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनफैक्ट 90% कवरेज हो जाएगी। आंसर बहुत सिंपल है दोस्त, पूछने तो जाओ लोगों से। सीनियर्स बताएंगे, एलमनाई बताएगा, और कोई नहीं बताएगा तो CFA का टीचर बताएगा। उसी ने हेल्प की थी ना आपकी पढ़ाने में। मुझे ऐसा लगता था कि स्टूडेंट्स को एग्जाम से ज्यादा स्ट्रेस तो और कहीं हो ही नहीं सकता, पर मैं गलत था। स्टूडेंट्स कहते हैं सर एग्जाम्स तो फिर भी क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्स में तो कोई दो चार क्वेश्चन गलत हो भी गए तो क्या हुआ, CFA में 70% तो लेके आना है, पास तो हो जाएंगे। लेकिन अगर जॉब इंटरव्यू देते समय कोई एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो क्या पता दूसरा मौका मिले ना मिले। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एग्जाम से ज्यादा स्ट्रेस जॉब्स का है हमें। मैंने एनालाइज किया, देर आर 5 बेसिक रीजंस बिहाइंड इट। फटाफट डिस्कस करते हैं। रीजन नंबर 1, स्टूडेंट्स कहते हैं सर प्लेसमेंट कमिटी नहीं है, कौन बताएगा कि जॉब अच्छी है नहीं, ग्रोथ है या नहीं इस जॉब में। आंसर बहुत सिंपल है दोस्त, पूछने तो जाओ लोगों से। सीनियर्स बताएंगे, एलमनाई बताएगा, और कोई नहीं बताएगा तो CFA का टीचर बताएगा। उसी ने हेल्प की थी ना आपकी पढ़ाने में, एक क्या छोटी सी और हेल्प नहीं करेंगे वो। गो रीच आउट टू देम। इफ यू आर लुकिंग फॉर एडवाइस यू विल डेफिनेटली गेट वन। पीपल डोंट रीच आउट इनफ। लोग सोचते हैं यार क्या पूछूं, पता भी चले गया नहीं। अरे जज मत करो यार, जस्ट रीच आउट, दैट्स द वे। प्रॉब्लम नंबर 2, स्टूडेंट खुद जानता है कि उसकी नॉलेज क्वेश्चनेबल है। स्टूडेंट्स कम टू मी एंड से कि सर लेवल 1 क्वालिफाई तो हो गया लेकिन मेरी ना नॉलेज अच्छी नहीं है। अरे नालायक, जब इतना कॉन्फिडेंस है कि नॉलेज अच्छी नहीं है तो अच्छे से पढ़ ही लेते। पर चलो कुछ नहीं होता, माफ़ किया तुम्हें। एक काम करो ना, FSA और इक्विटी अच्छे से रिवाइज कर लो। मेनली जॉब्स में ये दो सब्जेक्ट्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनफैक्ट 90% कवरेज हो जाएगी। ट्रिक बताइए, जनरली बोलता नहीं हूँ मैं ये बातें। चलो अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, यू हैव द रिक्विजिट नॉलेज पर स्किल्स नहीं है। कुछ नहीं होता, अब सीख लो फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, पाइथन, मे बी स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव्स, वॉट एवर योर इंटरेस्ट इज। एक बार जाइए उसको सीखिए तो सही। और कुछ नहीं तो एडवांस्ड और बेसिक एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए। सर आप कोर्स बेच रहे हो क्या? अरे नालायक, ये सब आदत नहीं है मेरी। आपको अच्छी चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गेट इन टू अ जॉब। नॉलेज और स्किल्स, ये दो चीज़ें जब तक एक परफेक्ट नहीं होंगी ना, लिख के रख लो, कोई जॉब नहीं मिलने वाली। लास्ट के 2 पॉइंट्स बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्रिटिकल यही है, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रोबेबली द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वेटिंग फॉर योर ड्रीम जॉब। आई रिपीट, वेटिंग फॉर योर ड्रीम जॉब इज द मोस्ट स्टूपिड डिसीजन यू विल टेक इन योर लाइफ। सर क्या बोल रहे हो आप? अरे ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना है ना? सोच के देखो किस क्लब में फेमस हुआ था। हाँ सर, शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड, शायद रियल मैड्रिड, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके फर्स्ट क्लब का नाम पता है? स्पोर्टिंग CP था उसके फर्स्ट क्लब का नाम। सोच के देखो, उसने बोला होता खेलूंगा तो मैड्रिड के लिए, नहीं तो खेलूंगा ही नहीं, तो कभी खेलता ही नहीं दोस्त। आप क्या सोच रहे हो, जाऊंगा तो गोल्डमैन सैक्स, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं। फिर बैठो घर पे, आराम से सपने देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सपने देख रहे हो साथ में नेटफ्लिक्स भी देखते रहो, मौज करो जीवन की। ऐसा नहीं होता, यू विल हैव टू ऑप्टिमाइज योर ऑप्शंस। एक काम करो, अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर में हो और अगर आपके पास एक अच्छी ऑडिट की, अकाउंट्स की जॉब आ रही है तो ग्रैब इट, एंड देन थिंक ऑफ शिफ्टिंग टू अ कोर फाइनेंस जॉब। इफ़ यू आर इन एन MBA एंड थिंकिंग कि यार एक फिनटेक का रोल है या एक ऐसा रोल है जिसमें फाइनेंस प्लस थोड़ा सा सेल्स वाला जॉब है या थोड़ा क्रेडिट एनालिसिस करा रहे हैं, बट मुझे तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, तो बन जाना ना, क्या प्रॉब्लम है? आज जो मिल रहा है वो तो लो। अगर आपके हाथ में एक जॉब रहेगी तो आपकी नेगोशिएशन बेटर होगी। आप ये मत भूलो कि अगर आप घर पे बैठे हो तो यू हैव प्रैक्टिकली नो नेगोशिएशन, एंड देन द हायरिंग मैनेजर माइट थिंक दैट यू आर नॉट गुड इनफ टू गेट इनटू एनी जॉब। अगर आप एक जॉब में हैं तो हायरिंग मैनेजर सोचेगा लड़का तो अच्छा है, डोमेन शिफ्ट करना चाह रहा है, सर सेम सैलरी पे भी आ जाएगा, तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू योर ड्रीम जॉब इज बेटर इफ यू आर नॉट इन योर ड्रीम जॉब। डू नॉट वेट फॉर द बेस्ट ऑप्शन, वेट, इनफैक्ट डोंट वेट, जस्ट टेक द मोस्ट ऑप्टिमल ऑप्शन एंड गो अहेड। प्रॉब्लम 5, प्रोबेबली द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग टू सॉल्व, सुनना ध्यान से, वेटिंग फॉर द मोस्ट आइडियल टाइम टू गेट इनटू एन इंटरव्यू। मैं बहुत बार कैंडिडेट से मिला, मैंने कहा तुम अप्लाई कर दो इस जॉब के लिए, कह रहे नहीं सर अभी CFA का रिवीजन चल रहा है, नहीं अभी तो मैं मॉडलिंग का पूरा अपना कोर्स खत्म कर रहा हूँ। अरे भाई करते रहना ना, जॉब के लिए तो अप्लाई करो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारा यहाँ कोर्स खत्म होगा या यहाँ रिवीजन होगा और उसी समय तुम्हें इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा? ऐसा नहीं होता दोस्त, देर इज़ नो आइडियल टाइम। सोच के देखो, क्या 10वीं के एग्जाम के पहले कभी नहीं लगा कि काश एक दिन और मिल जाता तो चमत्कार कर देते? मुझे तो लगता था, आपको भी लगता होगा। अरे तुम एग्जाम छोड़ो, तुम जॉब छोड़ो, मैं तो मरने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। आज यमराज आ जाए, बोले चलो तुम्हारा समय हुआ पूरा, मैं बोलूँगा थोड़ी सी देर दे दो, प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दूँ बस, ठीक है ना? यही बात है, देयर विल बी नो आइडियल टाइम, यू विल नेवर बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग, फेल फास्ट इज द मंत्र, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, अभी के टाइम को परफेक्ट बनाओ, ठीक है? यही आता था मुझे जॉब्स के बारे में। ऑल द वेरी बेस्ट,
टेक केयर, मे गॉड बी बाय योर साइड, मे यू गेट इनटू योर ड्रीम जॉब वेरी सून, बाय बाय।